बड़ी खबर है, रूस के सर्विलांस स्टेशन पर ड्रोन हमला। एफपीवी ड्रोन हमले में रूसी स्टेशन दबा, थर्मल इमेजर से लैस था सर्विलांस स्टेशन। Буквально минут 10 назад. Слава богу, без происшествий. Все живы, здоровы. Да, пострадавших нету, слава богу. क्रीमिया इस वक्त यूक्रेन युद्ध का सेंटर बन गया है। क्रीमिया में तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब गया है। यह ट्रिगर तब दबा जब यूक्रेन ने यहां बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक विध्वंसक हमला किया। हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ने अचानक क्रीमिया में हमला क्यों शुरू कर दिया? इसके पीछे ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स का प्लान क्या है? क्या क्रीमिया में यूक्रेन का यह विस्फोट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रहा है? पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका। रूस के गर्व का प्रतीक क्रीमिया में इसी तरह एक दर्जन ब्लास्ट हुए। यूक्रेन ने शहर से लेकर समंदर तक विस्फोट किए और इसी के साथ रूसी सेना दहल गई। क्रीमिया की लड़ाई अचानक बहुत विध्वंसक हो गई है। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना के हमले अचानक बढ़ गए हैं। आधी रात को यूक्रेनी फोर्स का ड्रोन एक्शन शुरू हुआ तो क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ये हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया में रूसी सेना को फिर से बड़ा जख्म देने में कामयाब हो गई। यूक्रेन ने इस बार क्रीमिया में रूस के रडार स्टेशन, रूस के नेवल हेडक्वार्टर और हथियार डिपो पर ब्लास्ट किया। यूक्रेनी ड्रोन ने इन तीनों टारगेट को हिट किया। इसके बाद क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इस बार भी यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की के जंगबाजों ने अचानक क्रीमिया को दहलाना क्यों शुरू कर दिया है? इसके पीछे यूक्रेन के रक्षा मंत्री और क्रीमिया स्पेशलिस्ट रुस्तम की रणनीति क्या है? दरअसल इस हमले के जरिए युद्ध भूमि में लगातार बड़ी बढ़त बना रही रूसी फौज को रोकने की कोशिश है। रूसी सेना यूक्रेन में विध्वंसक हमला करते हुए कीव की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्रीमिया पर हमला कर यूक्रेन रूसी सेना को क्रीमिया में ही उलझाना चाहती है। फिलहाल यूक्रेनी फोर्स की यह कोशिश कामयाब होती भी दिख रही है।
रूसी नौसेना अपनी ब्लैक सी फ्लीट को बचाने में जुट गई है। रूस ने सेवस्तोपोल के पास मौजूद अपनी ब्लैक सी फ्लीट को अखाजिया के पास शिफ्ट कर दिया है। अब रूस की पूरी ब्लैक सी फ्लीट यहीं पर स्टेशन है। और यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया फ्रंट खोलकर रूसी सेना को इसी मोर्चे पर फंसाना चाहती है। यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट कर रहा है, लिहाजा अब रूसी नौसेना ने ब्लैक सी फ्लीट की लोकेशन ही बदल दी है। रूस ने ब्लैक सी के अपने पूरे बेड़े को अब खाजिया के पास स्टेशन कर दिया, वहां लेकर गए हैं। और रूस ने खतरे को देखते हुए कई वॉरशिप को पहले ही अब खाजिया भेज दिया था, लेकिन अब रूसी नेवी ने अपने आखिरी पेट्रोल बैग को भी शिफ्ट कर अबखाजिया शिफ्ट कर दिया है। रूसी नौसेना ने यह कदम यूक्रेनी हमलों में ब्लैक सी बेड़े को बचाने के लिए किया। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को सिर्फ शिफ्ट ही नहीं किया बल्कि सभी युद्ध पोतों में लंबी दूरी की मिसाइलें भी लगा दी हैं। माना जा रहा है कि रूसी नौसेना अबखाजिया फ्रंट से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रही है। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। क्रीमिया में रूस को उलझाने के लिए नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेज रहे हैं। स्पेन यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक और एंटी टैंक मिसाइल देने जा रहा है। जर्मनी ने सीक्रेट तरीके से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और सैन्य वाहन यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। इसी के साथ ही यूक्रेन तेजी से हॉविट्ज़र और ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। रिपोर्ट तो यह भी है कि नेटो की तरफ से यूक्रेन को ऐसी मिसाइल मिल गई है जो रूस के लिए नई है, जिसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले सफल होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के लिए नए हथियारों से हमले शुरू किए तो रूस ने भी युद्ध में नए और खतरनाक हमलावर उतार दिए। यह है रूसी सेना का नया ड्रोन जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर हमले करता है। रूसी सेना अब इसी ड्रोन से यूक्रेनी फोर्स को टारगेट कर रही है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना को नया नेवल ड्रोन भी मिल गया है जो समुद्री टारगेट के पास तेजी से जाकर इस तरह से धावा बोलता है। इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स को अपग्रेडेड MiG-31 फाइटर जेट मिल गए। रूसी सेना हर हाल में कीव पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है तो यूक्रेनी फोर्स उसे पूरी ताकत से रोकने में जुटी है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।